देखो ऊपर, ये यही है भानगढ़ के उजड़ने की वजह, आगे डिटेल में आपको बताएंगे। बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड इन्वेस्टर। रोड इन्वेस्टर के इस वाले सीरीज में हम लोग सरिस्का टाइगर रिजर्व कवर कर रहे हैं मानसून में। मानसून में सफारी तो बंद होता है लेकिन जंगल तो जंगल है। और लास्ट ईयर मुझे याद है मैं जिम कॉर्बेट गया था कवर करने के लिए मानसून के अंदर, और इस साल मैं राजस्थान के जंगल कवर कर रहा हूँ। तो अभी ये पहली सीरीज देख रहे हैं आप मानसून की, जो मैं सरिस्का में बना रहा हूँ। और जो मैं चाह रहा था एक्चुअली वो होने लगा है। सुबह जिस समय मैं निकला था उस वक्त धूप था, बीच बीच में हमें धूप में मिली, थोड़ा सा बारिश मिला, लेकिन अब जो है अब वो तगड़ी बारिश होने वाली है, बहुत ही तगड़ी बारिश होने वाली है। क्योंकि बादल देखो आप, बादल किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन जो है हो चुके, और अभी मतलब ये जो क्लाउड्स हैं ये जब बरसेंगे, और 100% है कि बरसेंगे, तो ये मतलब अच्छी खासी बारिश होने वाली है। वैसे तो मैं अभी पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन को लेके चल रहा था, लेकिन कौन सा डेस्टिनेशन कवर होगा कि नहीं होगा, या मानसून में अभी ये बारिश में क्या माहौल रहेगा, ये अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे। बाकी धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदे आप मेरे विंडशील्ड पे आप देख सकते हैं। वैसे तो अब हम लोग जंगल से निकल के मुख्य सड़क पे आ गए हैं, लेकिन बारिश बहुत भयंकर हो रही है। हमें जंगल वाले रास्ते पे ही हमें बारिश मिल गई थी, और अभी मुख्य सड़क पे आने के बाद भी काफ़ी तेज़ बारिश चल रहा है अभी। और हम वापस से अभी किसी डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं। थोड़ी देर में आपको मैं डेस्टिनेशन बता रहा हूँ। एक्चुअली अभी हम ढाबा खोज रहे हैं, क्योंकि करीब 3:40 का वक्त हो गया है और अब तक हमने लंच नहीं किया, भूख लग रही है। तो एक बार खाना निपटाए फिर बताएंगे कि आपको हम जा कहाँ रहे हैं। बारिश बहुत कम होती है राजस्थान के अंदर, बारिश देख के दो तीन महीने होते हैं बारिश के, जिसमें भरपूर आनंद लेते हैं लोग, क्या करें। बारिश देखा नहीं, छोड़ दिया। मैं बता रहा था कि ये जंगल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, जंगल के बीच में पार कर रहे हैं, बारिश हो रही है, हरियाली भी है, इतना अलग सा लग रहा है बिल्कुल। यही जंगल मैंने कुछ दिन पहले पार किया था अप्रैल मई के महीने में, उस वक्त सूखा जून में आया था, उसमें सूखा ब्राउन सा नजर आ रहा था। मुझे लगातार बारिश भी हो रही,
बारिश भी धीरे हुई है और भूख तो लगी रही थी, तो अभी यहाँ पे एक ये जगह दिखा, यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं, अभी आपको खाना भी दिखाते हैं और फिर आगे जो प्लान है अगर सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ तो भानगढ़ जाएंगे। भैया वहाँ खाना तो मिला नहीं, तो फिलहाल तो आगे निकल गए हैं, खाना नहीं था उनके पास, तो अभी यहाँ से डीजल लेके देखते हैं किसी और जगह पे खाने का इंतजाम करेंगे। यार ये पेट्रोल पंप इतनी खूबसूरत जगह पे है ना, देखो कि मैं उतर के सोचा कि एक बार पहले वीडियो बनाऊँ, कितना खूबसूरत लग रहा है, बारिश में तो माहौल और अच्छा हो गया है। भाई हमारे को रोटी तो नहीं मिला है अभी तक, लेकिन इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं ना, इतने खूबसूरत नज़ारे कि मैं क्या ही बताऊँ, जिधर भी नज़र घुमा दो उधर मतलब लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया है। अरे कहीं से राजस्थान नहीं दिख रहा है, सारे लोग मौज में जा रहे हैं, मौज में वहाँ चुनरी उड़ती हुई जा रही है, तो भाई अपना बेचारा बैग टांग के कहीं जा रहा है। मैं अभी खाने की खोज में अभी यहाँ रुका हूँ, होटल रॉयल कल्याण पैलेस रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, और मैं अभी फ़िलहाल तो रेकमेंड करूँगा इसको क्योंकि साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट, खाने की टीवी चल रहा है अंदर बहुत तेज़, तो मैं अंदर व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, लेकिन सामने इतना खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल ग्रीनरी, पार्किंग की भी ठीक ठाक जगह, ऊपर एसी रूम, एसी नॉन एसी रूम्स भी हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉयलेट बहुत साफ़ सुथरा मिला है मुझे। भैया सर टीवी का साउंड कम करोगे? हाँ, तो मेरे को टॉयलेट बड़ा साफ सुथरा मिला, शीट की दोनों है यहाँ पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब देखो आप जंगल जैसे लोकेशन में आप चलो, जंगल में आप घूमो और आपको अगर वॉशरूम साफ़ सुथरा मिल जाए कहीं पे बाहर निकल के सड़क पे, और क्या चाहिए। खाना खाने से पहले मैं सोचा कि यार थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, और यहाँ पे मतलब टॉयलेट के अंदर जंगल वाले रिजॉर्ट्स में, रिजॉर्ट तो क्या छोड़ो, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट में या होटल में आपको कहीं पे वॉशरूम के अंदर टॉयलेट पेपर्स मिल जाए, साफ़ सुथरा आपको टॉयलेट मिल जाए, तो मतलब मन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बाकी फ़िलहाल अभी खाने का ऑर्डर किया है हमने, दाल तड़का और पनीर भुर्जी, देखते हैं वो कैसा है। हमने मंगाया था दाल बिल्कुल सादा दाल है, ठीक ठाक है, पनीर भुर्जी अच्छा है, रोटी तवा रोटी अच्छा है, मैंने तो एक रोटी खा भी लिया, तो ओवरऑल सारा मिला के ये रेस्टोरेंट कम होटल जो भी है रिकमेंडेड है अगर आप तो भानगढ़ की तरफ आ रहे हैं। ओवरऑल खाना मुझे बहुत पसंद आया, मुझे एम्बियंस बहुत पसंद आया, और मिला जुला के ये जगह मुझे काफ़ी पसंद आया, और अब हम जा रहे हैं भानगढ़ की तरफ, ये भानगढ़ के पास ही है, बिल्कुल भानगढ़ से पहले ही है, थोड़ा सा अभी और आगे चलना है, एक्चुअली मुश्किल से 400-500 मीटर होगा और मैं भानगढ़ पहुंच जाऊंगा। ये हम लोग भानगढ़ पहुंच गए हैं, मैं आपको बता दूं कि आगे लगता है कोई टिकट विकट पर्ची काट रहा है इनसे, तो चलो मैं बात कर लूँगा, लेकिन ये देखो ऊपर यही है भानगढ़ के उजड़ने की वजह, आगे डिटेल में आपको बताएंगे। अभी ये पार्किंग चार्जेस यहाँ लगता है, वैसे तो 100 रुपये मांगा, राजू भाई ने बोला कि हम लोकल है तो 50 रुपये ले लिया, पता नहीं क्या चार्जेस लगते हैं भगवान जाने। बाकी गाड़ी खड़ी करने की यहाँ पे जगह है, आगे गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर अंदर चलते हैं, अंदर भी इसका टिकट कटेगा, अंदर चलना बहुत पड़ता है, बहुत लंबा, मैं आया हूँ पहले भी यहाँ पे, मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है, बाकी अभी भीड़ काफ़ी है। हाँ भीड़ बढ़िया है,